तो गाइज आपको पता चल ही गया होगा कि इंडिया में पबजी को बैन कर दिया गया है और आप इसे अपने एंड्रॉयड फोन या फिर iOS फोन में नहीं खेल सकते हो और इसको इंडिया के प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया है। तो गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि पबजी इंडिया में दोबारा से वापस आ रहा है या फिर दोबारा से वापस आ सकता है या फिर वापस आ गया है। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, कितना ये सही है और कितना ये गलत है, तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, यहाँ पर मैं आपको टैग न्यूज़ देता रहता हूँ। तो गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है PUBG अकाउंट की तरफ से। यहां पर उसमें लिखा हुआ है कि PUBG कॉर्पोरेशन जो है वो Tencent के साथ पार्टनरशिप तोड़ रही है और किसी दूसरी कंपनी को ढूंढ रही है इंडिया में दोबारा से PUBG के वापस लाने के लिए। तो गाइस ये जो ट्वीट है ये बिल्कुल फेक ट्वीट है, ये ट्वीट जो है ऑफिशियल नहीं है, ये एक फेक बनाया गया है, तो इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। अब गाइस बात कर लेते हैं कि PUBG क्या इंडिया में दोबारा से वापस आ सकता है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि PUBG कॉर्पोरेशन की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है जिसमें उसने बताया है कि जब मोबाइल में आप PUBG खेलते थे तो यहाँ पर Tencent लिखा हुआ आता था, तो PUBG की Tencent के साथ पार्टनरशिप थी। तो गाइस अब यहाँ पर बात करें तो इंडिया में, सिर्फ इंडिया में PUBG कॉर्पोरेशन Tencent के साथ पार्टनरशिप तोड़ रही है और खुद उसका पब्लिश करेगी PUBG गेम को। तो गाइस बात करें पहले की, तो पहले जब आप PUBG खेलते थे तो उसको Tencent ने पब्लिश किया था, लेकिन अब जो पब्लिश करेगी वो PUBG कॉर्पोरेशन खुद पब्लिश करेगी इंडिया में। तो गाइस इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि PUBG इंडिया में दोबारा से वापस आ सकता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि PUBG मोबाइल बैन हुआ था, PUBG PC बैन नहीं हुआ था। PUBG PC बैन इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि PUBG PC अब भी PUBG कॉर्पोरेशन के अंडर ही आता है। तो गाइस इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि PUBG PC जो है वो सिक्योर है, तो ऐसे ही जब ये PUBG कॉर्पोरेशन खुद PUBG को पब्लिश करेगी इंडिया में तो वो भी सिक्योर होगा। तो गाइस यहां पर जो है आप PUBG दोबारा से खेल सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से PUBG इंडिया में वापस आ जाएगा, इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, एक महीना, दो महीना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फौजी गेम के रिलीज होने के बाद PUBG इंडिया में दोबारा से वापस आए। तो गाइस यहां पर मैं आपको पहले बताता चलूं कि PUBG के 33 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे और ये यूजर्स बहुत ज्यादा सैड हैं PUBG के इंडिया में बैन हो जाने से। तो गाइस ऐसा भी हो सकता है कि PUBG जो है वो फौजी गेम के रिलीज होने के बाद वापस आए, क्योंकि फौजी गेम जो है वो ऐसे टाइम पर आ रहा है जहां पर सबकी नजरें फौजी गेम पर ही हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है, इसका इंटरफेस कैसा होने वाला है, और अगर इसका इंटरफेस PUBG जैसा हुआ, यानी कि मल्टीटास्किंग गेम तो ये है ही, और साथ में अगर इसने ऐसा इंटरफेस दिया जैसे कि PUBG में होता है, तो ये गेम इंडिया में बहुत ज्यादा वायरल हो सकता है। लेकिन अगर ये गेम PUBG के अनबैन होने के बाद आया तो ये गेम बिल्कुल नहीं खेला जाएगा, क्योंकि लोग PUBG जो है वो दोबारा से अपने मोबाइल में खेलने लगेंगे, दोबारा से अपने मोबाइल में उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो गाइस आपको क्या लगता है कि PUBG इंडिया में दोबारा से वापस आएगा या नहीं आएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और गाइस एक वीडियो मैंने और बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप अपने मोबाइल में PUBG को अपडेट कर सकते हो, जो नया वर्जन आया है PUBG का 2.0, तो यहां पर आप उसको कैसे अपडेट कर सकते हो, या फिर अगर आपने अपने मोबाइल में PUBG को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आप कैसे PUBG को डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि PUBG को इंडिया के प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो यहां पर इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक करने के बाद आप वीडियो को देख सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, यहां पर मैं आपको टैग न्यूज़ देता रहता हूं। तो गाइस मिलता हूं आपसे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू।